आज अलहदा हाई कोर्ट आंध्रा और तेलंगाना के ऐलान पर तेलंगाना के सभी इलाकों में जश्न का मंजर था। इसी जमन में तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से केक काट कर खुशी मनाई गई। इस मौके पर एडवोकेट वहीद अहमद ने हमारी हाईटेक न्यूज से बात करते हुए मसरत का इजहार किया और तेलंगाना के वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर तेलंगाना अकलियती मालियती कारपोरेशन के सदर अकबर हुसैन ने भी खुशी का इजहार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रियासत तेलंगाना में ईद का माहौल दिख रहा है, क्योंकि इसलिए कि 60 से 70 साल पहले यहाँ की अवाम आंध्रा वालों की जुल्म से परेशान थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना हुए बाद जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने तेलंगाना तहरीर से ही अवाम की खुशी देखना चाह रहे थे, आज एक खुशी का माहौल दिखा। इस तरह के चंद्रशेखर राव साहब, हमारे आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, पूरे आज जितने आज मेरे नौजवान, मेरे वकील, मेरे भाई है, आज बहुत खुशी से लहर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये चाहा कि आंध्रों की कई सालों से हमारे पे जुल्म ज्यादती हुई, कई हमारे फैसलों को भी उन्होंने अंदाज करके उनके ही हक में पैदा किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब जब दिल्ली के दौरे पे थे तो यहाँ की अवाम, पूरे स्टेट के जो प्रेजिडेंट से मेरे, पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और प्रेजिडेंट से मिल रहे थे, तो यहाँ की अवाम खुश हो रही थी। इस तरह कल वजीर आजम से भी मिले बाद और हमारे राजनाथ सिंह से, इस तरह KCR साहब और विनोद कुमार पार्लियामेंट MP करीमनगर, इनकी कोशिशों में आज अल्लाह के फजल से उनको कामयाबी दिया, हक की कामयाबी अल्लाह के फजल से आई है। वो पूरी अवाम KCR साहब के हक में दुआएं कर रही है, आज पूरा तहे दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं और KCR साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसी समय आज हज हाउस में जिस तरह बाहर पूरे मेरे वकील मेरे दोस्तों के साथ आज हम खुशी से हमारे घर की एक खुशी जिस तरह सालगिरह मनाया जाता उस सालगिरह का आज केक काट रहे हैं, उनसे तहे दिल से हम KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना अलहदा रियासत कायम होने के 4.5 साल बाद हम कामयाबी के साथ जो जदोजहद कर रहे थे कि तेलंगाना अलहदा हाईकोर्ट कायम किया जाए, हमने यहां पर रियासत की तमाम कोर्टों में हमारे कामों को तक बायकाट किया। कोर्टों के तमाम कामों को बायकाट करते हुए यहां पर मुसलसिल कई दिनों तक हम जदोजहद करते रहे। उसके बाद हमने दिल्ली का भी रुख इख्तियार किया, मरकज की हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए हमने जंतर मंतर जाकर भी धरना दिया। आज अल्लाह के फजल करम से विकला का जंतर मंतर जाना और जो जदोजहद करना और तमाम कई दिनों तक अपने कोर्टों को बायकाट करना, अल्लाह ने आज हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की नुमाइंदगी और उनकी सरपरस्ती में हमें तेलंगाना की आवाम को अलहदा रियासत के लिए तेलंगाना अलहदा हाईकोर्ट कायम किया। हम KCR साहब के ममनू व मशकूर हैं और मरकज की हुकूमत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अलहदा गजट जारी करते हुए हमारे लिए तेलंगाना का अलहदा हाईकोर्ट कायम करने की जो गजट जारी की। इंशाल्लाह 1 तारीख से ये कोर्ट जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर इस मौके पर आज अल्लाह के फजल करम से हमारी मुसलसिल 14 साल की जदोजहद के बाद अलहदा रियासत कायम हुई। उसके बाद आज मुसलसिल तेलंगाना अलहदा हाईकोर्ट कायम हुआ। हम इस मौके पर बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और आज हमने यहाँ पर केक भी काटा है विकला की निगरानी में और हम इस बात की कोशिश कर